राजगढ़ जिले के खिलजीपुर के नेशनल हाईवे 52 के बाईपास पर एक अज्ञात वाहन ने 20 गायों पर वाहन चढ़ा दिया, जिससे 17 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही गौ सेवकों सहित भारी संख्या में लोग जमा हो गए और गायों की दर्दनाक मौत से आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे एडीएम प्रकाश कस्बे, एसडीओपी निशा रेड्डी, थाना प्रभारी वीरेंद्र धाकड़ और सीएमओ के शिवहरे को लोगों ने घेरा और प्रशासन की लापरवाही और आए दिन गायों की मौत पर जमकर खरी खोटी सुनाई। एसडीएम के इस आश्वासन के बाद ही गायों के लिए गौशाला के अतिरिक्त अन्य स्थान पर अस्थायी व्यवस्था करने, गाँव से गायें घेर कर नगर में लाने वाले लोगों पर पुलिस कार्यवाही करने, सड़कों पर बैठी गायों को अस्थायी कैंप में रखने का आश्वासन देने पर लोगों ने जाम हटाया। इसके बाद नगर पालिका के वाहनों से मृत गायों को ले जाया गया। वहीं 3 घायल गायों का इलाज मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक ने किया। वहीं ड्यूटी पर तैनात पशु चिकित्सक ने नदराज रहने पर एसडीएम ने कार्यवाही की बात कही है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इस संबंध में अभी सभी से हमारी बैठक हो गई है और उसके बाद फिर 11 बजे भी हम थाने में बैठ के आज शाम से जितनी भी है ना गाय है और जिस पर टैग लगा हुआ है उस मालिक के खिलाफ भी एफआईआर कर रहे हैं। जो गाँव वाला ला रहा है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे आज। और आज से ही है ना, पहले भी हमारी ये व्यवस्था थी कि कुछ मंडी में और कुछ गौशाला में उनको रुकाया जा रहा था रोज, मगर क्या है गांव वाला आके रोड पे छोड़ के चले गए, इसकी वजह से इनको रात को अपन घेर के और गौशाला में और वहाँ नहीं ले पाऊँ। मगर इस घटना को ध्यान रखते हुए अपन इस पर कितनी गायों की मौत हुई, सभी हाईवे पे जो 17-18 गायों की मौत हुई, कितनी इसमें घायल है, कितनी घायल है? 3-4 घायल थी तो जिनको पहुँचा दिया इलाज। देखिए सर, जो कलेक्टर मैडम ने जिन डॉक्टर की ड्यूटी लगाई थी पशु डॉक्टर, वो नहीं कलेक्टर महोदय नहीं लगाई थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।